दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं अमेरिका के बाजार में, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट अमेरिका की तरफ से निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं डो जोन्स के अंदर अभी जैसे ही मार्केट खुला है हमें 1 से 1.25% का एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेस्डेक की बात करी जाए तो आप देख पाएंगे नेस्डेक के अंदर भी हमें लगभग 2% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें तो आज के दिन रिसेंटली यूएस ने अपने जो जुलाई मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर वो रिलीज कर दिए हैं और जो नंबर एक्सपेक्ट किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं यूएस इन्फ्लेशन इज स्लाइटली टू 8.5% इन जुलाई मंथ ग्लोबल मार्केट्स रैली। तो यहां पर जहां लास्ट मंथ में यानी कि जून के मंथ में हमें जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो 9.1% के देखने को मिले थे, जिस कारण से आपको भी पता है कि यूएस मार्केट से के अंदर कितना बड़ा फॉल आया था, कितना बड़ा क्रैश आया था और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखने को मिला था। लेकिन फाइनली अब यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी और रिकवरी यहां पर होनी बाकी है, लेकिन जो स्टेप्स फेड की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका आउटकम्स अब हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस पॉजिटिव न्यूज के कारण कल के दिन भी आपको स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे सेक्टर कंपनीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करने वाले IRCTC के बारे में। आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 2% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करें IRCTC की तो आज के दिन IRCTC ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, जहां पर अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 246 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जहां पर आप देख पाएंगे कि 196% की जंप यानी कि 196% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 853 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने क्वार्टर वन के अंदर जनरेट किया है। तो यहां पर भी आप देख पाएंगे कि 251% की जंप हमें IRCTC के रेवेन्यू के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। यदि आपने यहां पर पोजीशंस बना रखी है अपर लेवल से भी 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए के लेवल से भी, तो आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर। आज के दिन टाटा पावर ने एक बहुत ही शानदार कोलैबोरेशन किया, एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप करी है और ये पार्टनरशिप जो करी गई है ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए करी गई है। आप देख पाएंगे टाटा पावर टाइप विद JP इंफ्रा टू सेटअप EV चार्जिंग पॉइंट्स इन मुंबई। आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है, क्योंकि JP इंफ्रा की मुंबई के अंदर जो 60 प्रॉपर्टीज़ है उन 60 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अब टाटा पावर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने वाली है। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट टाटा पावर को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो यदि आपने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है तो 218 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजिशंस को यहाँ पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है कॉल इंडिया लिमिटेड। लास्ट 1 मंथ में कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर हमें लगभग 15% की तेजी देखने को मिली है। वहीं आज के दिन भी हमें शेयर्स के अंदर 2% की तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन की तेजी के पीछे वजह जानने की कोशिश करें तो आज के दिन कॉल इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें 179% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी ने 8,833 करोड़ रुपए का प्रॉफिट क्वार्टर वन के अंदर जनरेट किया है। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी लगभग 39% की जंप देखने को मिल रही है। कॉल इंडिया लिमिटेड ने क्वार्टर वन के अंदर 35,092 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहां पर डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में हमें सिर्फ 25,282 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल कॉल इंडिया लिमिटेड के भी फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं। तो यदि आपने कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। लेकिन एक चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये एक स्लो मूविंग शेयर से, तो यदि आप कोई सी फास्ट ग्रोइंग कंपनी चाहते हैं तो आप कॉल इंडिया लिमिटेड को अवॉइड करके किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड को आप एक नॉर्मली फेविकॉल से भी जान सकते हैं। फेविकॉल जो कि हर किसी के घर में यूज किया जाता है और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी माना जाता है हर एक हाउस के लिए, जहां पर आप देख पाएंगे कि काफी अच्छी ग्रोथ हमें
फेविकोल के बिजनेस में भी देखने को मिल रही है और इसका एक सीधा बेनिफिट पिडिलाइट को मिल रहा है। पिछले एक महीने में पिडिलाइट का शेयर 16% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। वही बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्री की तो आज के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 64% से हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 358 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है क्वार्टर वन के अंदर। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी लगभग 60% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पिडिलाइट इंडस्ट्री के भी फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं, तो यदि आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस शेयर्स के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर करके हमें इंकरेज कर सकते हैं। रेलवे सेक्टर की बात हो रही है तो एक और कंपनी को यहां पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा, जिसका नाम है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहां पर मैं आपको खरीदारी करने का बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है और अभी तक किसी प्रकार के मैसिव रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले। हालांकि जिस शेयर होल्डर्स ने IRFC के अंदर IPO भी लगाया था वो भी काफी ज्यादा लॉस में हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें आज के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, जहां पर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे तो 5,627 करोड़ रुपए की कंपनी ने क्वार्टर वन के अंदर सेल्स डिक्लेयर करी है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो डिक्लाइन हुई है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 5,605 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी लगभग 100% का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ चलें तो यहां पर IRFC ने इस क्वार्टर में 1,662 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं, लेकिन अदरवाइज रिजल्ट को अगर साइड करें तो यहां पर आप अगर शेयर्स में खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो मूविंग कंपनी है और यहां पर कब ब्रेकआउट बनेगा किसी को नहीं पता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन आज के दिन TCP ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करी जाए तो यहां पर भी कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं। कंपनी के प्रॉफिट में 38% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। 255 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टर वन के अंदर डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ अगर कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करी जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी 11% की जंप हमें देखने को मिल रही है। यदि आपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कल के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एट द एंड बात कर लेते हैं लास्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है यस बैंक लिमिटेड। यहां पर आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें तो यस बैंक के लिमिटेड के अंदर जो SBI ने अपना 49% का स्टेक कवर कर रखा था, और यहां पर आपको पता हो तो ये स्टेक कंपनी SBI की तरफ से 3 साल पहले खरीदा गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ SBI नहीं बल्कि और भी बैंकें ने यहां पर यस बैंक के अंदर स्टेक को खरीदा था। लाइक कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लें या फिर और किसी बैंक की बात कर लें तो वहां पर भी स्टेक को खरीदा गया था। लेकिन जब ये स्टेक खरीदा था तब यस बैंक को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया था कि 3 साल का आपको लॉक इन पीरियड यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इस लॉक इन पीरियड के अंदर SBI जो अपना स्टेक है 49% का, उसे सिर्फ 26% तक ही रिड्यूस कर सकता है। रिमेनिंग जो 26% का स्टेक है वो आने वाले 3 सालों के लिए बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर सकता है। यानी कि वो स्टेक को SBI को यस बैंक के अंदर कैरी करना ही होगा आने वाले 3 साल के लिए। तो अब बात करें कि लॉक इन पीरियड कब कंप्लीट होने जा रहा है, तो मार्च 2023 में ये लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहां पर SBI के चेयरमैन की तरफ से जो स्टेटमेंट रिसेंटली 7 अगस्त के दिन निकल कर आया है, जहां पर मार्च 2022 तक SBI ने यस बैंक के अंदर 30% का स्टेक कवर कर रखा था, लेकिन अब उसे जून 2022 तक रिड्यूस करके 26% तक कर दिया गया है। और SBI के चेयरमैन का कहना है कि जैसे ही लॉक इन पीरियड मार्च 2023 में खत्म होगा वो अपने पूरे स्टेक को, यानी कि जो 26% का स्टेक है पूरे स्टेक को बेचने का मन बना सकते हैं। तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है और इसी कारण से यस बैंक के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है। तो यदि आपने यस बैंक के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं फ्रेश पोजीशंस के लिए। फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज भी मैं आपको इस शेयर्स को अवॉइड करने को कहूंगा, इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके इन सभी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी कंप्लेंट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो अब स्टॉक जैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।